ये समझो 20 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल रहा है, और क्या चाहिए। स्पेशलिटी है कि आपको अलग से जो देसी घी देते हैं ना, विच इज वेरी गुड। यो यो यो, व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक टू हंग्री सिंह। दोस्तों, हंग्री सिंह की एक और नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा आपको दिख रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इस टाइम और आप सब बहुत आराम से होंगे आई होप। और हम आपके लिए यहाँ पे इस गर्मी में एक वीडियो लेके आए हैं, बिकॉज आपको खाना पसंद है और हमें खाना दिखाना बहुत पसंद है। दोस्तों, आज हम जिस इंसान की स्टोरी कवर करने वाले हैं, आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट उनका नाम आज भी कायम है। आज भी उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है कि उनकी जो शॉप है वो आज भी बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है। ये जो शॉप है आपकी रुद्रपुर में सिचुएटेड है। हम बात कर रहे हैं राजमा चावल की, अमृतसरी राजमा चावल वाले हैं, उनके यहाँ पे हम आज आए हैं। हम देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है और जानते हैं उनके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक दोस्त जिनका नाम है अभिजीत दा। तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप बता सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, मेरा एक फ़िटनेस चैनल है, फिटनेस राइडर अभिजीत नाम से। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस देखिएगा, फिटनेस रिलेटेड अच्छी अच्छी वीडियोस है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत इन्जॉय करेंगे उस चीज़ को, और काफ़ी फ़नी चैनल भी है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए लगने लगे हैं राजमा चावल। तो ये चले गए जी चावल, ये कौन से चावल यूज़ करते हैं बताओ? 11-21 11-21 यूज़ करते हैं। और देख सकते हैं ये इनके राजमा, राजमा की भी क्या क्वालिटी है, चित्रा के राजमा है दोस्तों। और इस पर अब क्या जाने लगा? दही। ये क्या आपने डाला इसमें? दही डाला भैया ने। और अब जा रहा है इनका चटनी, हरी चटनी है आपकी, ये खुद ही बनाते हैं आप? देसी घी। तो यहाँ पे देखिए देसी घी जा रहा है। और अगर इसके प्राइस की बात की जाए, कितने रुपए की प्लेट है ये? 30 रुपए। 200 सिर्फ 30 रुपए की प्लेट है। और क्वांटिटी आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी है। ये गई हरी मिर्च। की रेड़ लग रही है, साथ जुड़े हुए हैं, हिसाब से काम कर रहे थे उस साथ में। अब उनका सुन लो यार, 12 में उनका देहांत हो गया, उसके बाद हम उनकी वाइफ गुरजीत कौर जो है उनके साथ जुड़े पड़े हैं, चला रहे हैं जो भी है, बहुत अच्छा और सारा कुछ साफ सफाई से अच्छे तरीके से बनाते हैं। सुरेजी सरार जी जो मतलब थे, बहुत अच्छा उनका नेचर था, यहाँ के जो थे वो अध्यक्ष भी रह चुके थे, सारे मतलब रेडी वालों के वो अध्यक्ष थे। उनका गांधी पार्क में फेमस था और सबसे पुराने है, और जो उनका काम करने का तरीका था वो बहुत ही अलग था, और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, साफ सफाई से। और हमें इतनी मतलब प्रेस्टिज दे गए हैं कि उनका नाम हम चला रहे हैं अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। उनके घर वाले भी खुश हैं सारे लोग, और कस्टमर भी जो आते हैं खुश होके जाते हैं, और उन्हीं के नाम से जो है आते हैं कस्टमर। यानी कि काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और काफी दबंग आदमी थे यहाँ के। हाँ जी, बहुत दबंग, सारा कुछ बहुत अच्छे थे, यहाँ उनका बहुत अच्छा नाम चलता था और आज भी नाम है उनका बहुत अच्छा। अल्टीमेट बहुत ही जैसा सपोज करो आप लोग घर में खाते हो ना, बिल्कुल वैसा ही। वो जो देसी घी जो इसमें चार चांद लगाए थी ना, बहुत सागर भाई की पर्सनालिटी देख के आपको लगता भी होगा देसी घी के वैसे भी शौकीन हैं। सही है, बहुत सही है। आप जब भी आए तो ये जरूर ट्राई करें, बिकॉज ये राजमा है जो एक कड़ी का कॉम्बिनेशन है, बहुत ऑसम है। अरे भाई भाई पानी पिलाओ, मुँह में मिर्च पड़ गई। तो देख सकते हैं क्वांटिटी इतनी काफ़ी है, मतलब एक बंदे के लिए इनफ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको काफ़ी सारी डेरियाँ मिलेंगी जो रिलेटेड होंगी यही सारा राजमा चावल एंड ऑल।
बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ की स्पेशलिटी है कि आपको अलग से जो देसी घी देते हैं ना, विच इज़ वेरी गुड। दिस इज़ द बेस्ट टेस्ट ऑफ इट। चावल की क्वालिटी, एवरीथिंग, जो भी चीज़ यूज हो रही है बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है, कहीं भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया। अगर भाई आपके हिसाब से राजमा चावल को 10 में से कितने नंबर दिए जाने चाहिए? 10 में से 200 इसको मिलने चाहिए, आई थिंक 9 एंड 9 नंबर काफ़ी अच्छा है। कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, थोड़ी सी आपको कमी रखनी चाहिए, बिकॉज कुछ इम्प्रूवमेंट तो ज़रूरी है फ्यूचर के लिए भी। और अगर आपसे बात की जाए तो आपको कितना है अभिजीत भाई, आप बताओ। देखो भाई, मैं इसको दूंगा 10 में से 9.5 नंबर। आधे नंबर का पता है ना, आधे नंबर का क्या किया जाता था एग्जाम में? हाँ, तो 9.5 का मतलब 10 ही हो जाता था। दोस्तों, यहाँ पे होने लगी हमारे स्टूडियो की एंडिंग, आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो में अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एंड कोई चीज़ अगर आपको चाहिए कि इम्प्रूवमेंट हमारे वीडियो में होना चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट, और हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो तब तक के लिए आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद।